दिख रहा है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, माय नेम इज मनप्रीत सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपको अपना रूम दिखाने वाला हूं, अपने रूम का होल टूर देने वाला हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं उस रूम के लिए कितने पाउंड्स पर मंथ पे कर रहा हूं, ये रूम कहां पे है, किस टाइप की प्रॉपर्टी है, इज इट अ शेयर्ड प्रॉपर्टी, मुझे लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है, इज इट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड जो स्टूडेंट्स को ये प्रॉपर्टी बुक करनी है वो कैसे बुक कर सकते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में लेटर बताने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एकोमोडेशन की जो डिमांड है यूके में ऑल ओवर द ईयर बहुत पीक हाई पे रहती है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो इमिग्रेंट्स हैं वो घर बाय करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सब कोई रेंट में रहते हैं एंड दे कीप ऑन चेंजिंग द एकोमोडेशन। लैंडलॉर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं, आज अगर वो कोई साइट पे या कहीं पे भी किसी को बता रहा है कि मुझे रेंट पे लोग चाहिए, विद इन अ वीक उसका ऑक्यूपाइड हो जाता है एकोमोडेशन। एंड गाइज ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पे एशियन कम्युनिटीज रहती हैं, कहाँ पे आपको चीप ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ आने के बाद खाने पीने की जो दिक्कत आती है, ग्रोसरीज एंड ऑल, अगर आप जाके कुछ डिफरेंट एरियाज में रहोगे जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी, जैसे कि मान लो पोलिश कम्युनिटी रहती है, तो वहाँ पे यू विल हैव सम डिफिकल्टीज। तो कुछ एरियाज के बारे में मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे आप अपनी सर्च फिल्टर डाउन करके चीप से चीप एकोमोडेशन ढूंढ सकते हो, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स सितंबर इनटेक में अभी इस कंट्री में आने वाले हैं एंड मोस्ट ऑफ देम हैव नो आइडिया कि कहाँ पे रहना है भाई, कैसे अपनी सर्च करनी है, कैसे चीप से चीप एकोमोडेशन ढूंढनी है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट दोज थिंग्स। तो चलो वीडियो को गाइज शुरू करते हैं, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, इफ यू हैव एनी डाउट आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। आप जाकर एंजॉय करो मेरा रूम टूर। गाइज जो आपको पीछे घर दिख रहा है ये है द फ्रंट पार्ट ऑफ द घर, अभी मैं खड़ा हूँ हमारे रोड के ऊपर एकदम, आज काफी अच्छा मौसम है। हम जाएंगे इस घर के बैकयार्ड में, सामने कोई और रहता है, मैं रहता हूँ पीछे। दिस इज द बैकयार्ड ऑफ द प्रॉपर्टी, वो घर है जो मैंने आपको सामने से दिखाया है। हमारा रूम आता है यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं रूम टूर। द किचन खाने पीने का सारा सामान काफ़ी मेस्ड अप है, ये चिमनी, गैस है, दिस इज़ अ वॉशिंग मशीन, फ्रीज़र, यहाँ पे हम अपना सारा रख सकते हैं, आलू प्याज वगैरह। दिस इज़ अ क्वीन साइज बेड, दिस इज़ द हीटिंग यूनिट, यहाँ से ठंड के टाइम में इस रूम का टेम्परेचर सही रहता है, तो यहाँ पे कपड़े वगैरह रख सकते हैं। दिस इज़ द स्टोरेज, ये एक स्टोरेज है, ये एक और स्टोरेज है, ये फ़िलहाल खाली है, इसमें कुछ नहीं रखा। आई हैव माई ट्राइपॉड, ट्रिमर, ये कुछ मेन्यूज हैं, कभी ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं तो। ये ना ये बीपीबी यूनिवर्सिटी की किताबें हैं, पहले रहता हुआ कोई तो वो रूम छोड़ के गया तो वो किताबें भी छोड़ गया। नाउ तो ये बेसिन है, दिस इज द वॉशरूम, यहाँ पे नहा लो आप। गाइज ये एकोमोडेशन मैंने एम्बो स्टूडेंट के थ्रू बुक की थी, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप अपने घर बैठकर, स्पेशली जो स्टूडेंट यहाँ पे सितंबर इनटेक में आने वाले हैं, अपने घर बैठकर आप एकोमोडेशन चेकआउट कर सकते हो एंड इवन बुक कर सकते हो। अब सपोज कि आपको लंदन में रहना है लेकिन इतनी बड़ी सिटी है, कहाँ पे रहना है ये स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता, आप अपनी सर्च को नैरो डाउन भी कर सकते हो, आप फिल्टर्स लगा सकते हो कि भाई मेरे को ये एरियाज में रहना है। अगर किसी को एरियाज नहीं मालूम, मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी डाल सकते हो, उस हिसाब से आपको अपनी एकोमोडेशन यूनिवर्सिटी के पास चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। ऐसे और भी आप फिल्टर सेट आउट कर सकते हो, जैसे कि आपको प्राइवेट एकोमोडेशन चाहिए, शेयर, आपको किसी के साथ शेयर चाहिए, थोड़ा बजट डाउन है आपका, इवन आप अपना बजट भी सेट आउट कर सकते हो कि पर वीक बेसिस पे भाई मैं तो सिर्फ 70 पाउंड ही दे सकता हूँ, मेरे को वो वाली एकोमोडेशन दिखाओ। तो नीचे दिए गए लिंक में आप क्लिक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हो। गाइज अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है बिकॉज सितंबर इनटेक के स्टूडेंट्स आने वाले हैं एंड अभी सारे लोग जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं 15-20 दिन के अंदर अंदर सोल्ड आउट हो जाने वाली है। नीचे के लिंक में क्लिक कर लो, फटाफट जाके चेक करो घर बैठे हो आराम से। ऐसे भी आप बहुत सारी रिसर्च कर रहे हो, इसके थ्रू आप जाओ, आई एम डैम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। स्पेसिफिकली जो मेरा रूम है उसकी बात कर लेते हैं गाइस। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मैं रह रहा हूँ अभी लंदन में और मेरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि वो ईस्ट साइड ऑफ लंदन में, बट आई एम स्टेइंग इन द वेस्ट साइड ऑफ लंदन बिकॉज यहाँ पे थोड़ी एशियन कम्युनिटी है, तो ग्रोसरीज, खाने पीने की जो इंडियन
फूड्स है एंड इंडियन कम्युनिटी, यू विल मेक फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आपको यहाँ पे जो लोकल सपोर्ट है वो भी मिल जाएगा। तो इसीलिए मेरा ये मानना था कि वेस्ट लंदन में फॉर द स्टार्ट यहाँ पे रहना इज़ अ बेटर थिंग। तो अगर आप लंदन में आ रहे हो, आपकी यूनिवर्सिटी है, तो वेस्ट लंदन में आपको जो भी छोटे मोटे इलाके हैं वहाँ पे अगर आपको कोई एकोमोडेशन मिल रही है, अभी स्पेसिफिकली बताना तो बहुत हार्ड हो जाएगा कि यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप मेरे को बेसिकली मैसेज करके पूछ सकते हो या कमेंट्स में पूछ सकते हो कि भाई देखो ये लोकेशन मिल रही है, यहाँ से कनेक्टिविटी कैसी है, तो मैं अपने यहाँ पे चेकआउट करके आपको बता दूंगा। गाइज, आई एम पेइंग अराउंड 350 pounds फॉर दिस प्रॉपर्टी मंथली। एम्बर स्टूडेंट पे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे जिसपे भी वीकली आपको रेंट पे करना पड़ेगा, एंड वो आई थिंक बिगिनर्स जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। एंड इट इज़ अ शेयर्ड अपार्टमेंट, एक और बंदा है मेरे साथ, मेरा रूममेट, हु इज़ पेइंग अराउंड 400, सो जो टोटल प्रॉपर्टी का प्राइस है दैट इज 750, एंड आई एम लिविंग इन जोन 4 में इफ़ यू हैव टू पे सो मच। अब यहाँ से एक टिप उठा लो आप कि जोन 4 के अंदर जोन 3, जोन 2, जोन 1 यहाँ पे नहीं जाना है क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं हो सकती। जोन 4 और जोन 5 में आपको, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट लिव इन, यू नो, आउट ऑफ लंदन। अगर आपकी यूनिवर्सिटी भी लंदन में है तो बहुत लोग बाहर रह रहे हैं लंदन के, क्योंकि थोड़े प्राइजेज वहाँ पे बाहर जाके 250 हो जाते हैं। तो एम्बर स्टूडेंट पे आप वो भी सर्च कर लो, काफ़ी ज़्यादा आपको जोन 3, जोन 4 में भी आप ढूंढ लेना, एंड लंदन के बाहर गूगल मैप्स खोलो, वहाँ के एरियाज चूज करो एंड वहाँ पे पुट इन करो एम्बर स्टूडेंट में, तो यू विल नो द प्राइस डिफरेंस। सो इस प्रॉपर्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि कितने महीने आप वहाँ पे रह सकते हो, दैट वाज फॉर अराउंड 8 months, एंड अभी मेरा लास्ट महीना चल रहा है, इसके बाद आई हैव टू गो समवेयर एल्स, एंड येस ऑल्सो आई वॉन्ट टू अपग्रेड, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ सिंगल रूम जहाँ पे मैं अकेला रहूँ। सो वो भी इवन मैं एम्बर स्टूडेंट के थ्रू ही बुक करने वाला हूँ। तो इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोज I'm gonna shoot a whole series कि कैसे बुक करनी है, कैसे viewings पे जाना पड़ता है and everything, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो उसके लिए you have to subscribe to my channel, क्योंकि आने वाली videos काफ़ी ज़्यादा exciting होने वाली है, because life is going to upgrade। या आपको दिखाएंगे accommodation का, you know that from the last 20-22 days I have not been recording the videos, क्योंकि यार मेरे चल रहे थे semesters and job का भी pressure था, तो job से भी छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो जो work and पढ़ाई का and ऊपर से लाइफ का जो बैलेंस था, आई डोंट नो मैंने कैसे किया, बट अभी यार रिजल्ट भी आ गया एंड आपका भाई हो चुका है पास, एंड नाउ एवरीथिंग इज फाइन। 6 महीने हो चुके हैं अपने को, एंड आई वांट टू अपग्रेड थिंग्स। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप फॉलो करके वहाँ पे पर्सनल मैसेजेस पूछ सकते हो, क्योंकि कमेंट्स में देर आर सम थिंग्स जिसका कि आप क्वेश्चन पूछ नहीं सकते एंड मैं भी रिप्लाई दे नहीं सकता। तो चलो गाइस, कर लेना फॉलो इंस्टाग्राम पे, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। इसको अब निकलना था, सारी वीडियो बना सकते।